हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के खबर आई हुई है कि CCSU की भी परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। जी हाँ, आप राइट सुन रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। किस डेट को हुई हैं? 29, 30 और 31 को स्थगित हुई थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जबकि CCSU में जो है परीक्षाओं को स्थगित किया गया है 29 और 30 जुलाई को। सभी परीक्षाएं स्थगित रहने वाली हैं और आई होप और भी यूनिवर्सिटी के इसके बारे में न्यूज़ आने वाला है कि 29, 30 और 31 को परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, या 29, 30 को तो डेफिनेटली स्थगित रहने वाली हैं। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 29, 30 तारीख को है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मेरठ जो सहारनपुर मंडल में चार पालियों में जारी 29, 30 जुलाई की परीक्षाएँ स्थगित हो गई हैं। इस दोनों दिन ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स के सभी पेपर स्थगित रहेंगे। 29, 30 जुलाई के अलावा सभी पेपर जैसे थे यथावत अपने टाइम पर रहेंगे। 29 जुलाई के पेपर 9 और 30 जुलाई के पेपर जो स्थगित किए जा रहे हैं उसको 10 जुलाई को पूर्व निर्धारित पाली और समय पर किया जाएगा। बीएड इंटरेस्ट जो एंट्रेंस हो रहा है उसके चलते स्थगित हुए हैं पेपर। 30 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में बीएड प्रवेश परीक्षा है, इसके सेंटर डिग्री कॉलेजों को ही बनाया गया है। तो 29 जुलाई को कॉलेजों में सीटिंग प्लान सहित विभिन्न तैयारियां करनी होंगी। ऐसे में इन दोनों दिनों में विश्वविद्यालय के पेपर संभव नहीं है। इससे विश्वविद्यालय को 29 और 30 जुलाई को अपने पेपर स्थगित करने पड़े हैं। अब आओ बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस की तैयारी। 27 को लेंगे सामग्री, यानी कि सोमवार को 30 जुलाई को प्रस्तावित बीएड एंट्रेंस की तैयारियों पर बैठक हुई है और मेरठ सहारनपुर मंडल में सभी 9 जिलों में यह परीक्षाएं क्या हैं स्थगित होंगी। विश्वविद्यालय में 27 को सभी नोडल और उप नोडल अधिकारी आकर के परीक्षा सामग्री प्राप्त करेंगे। इसके बाद जिले में प्रशासन और केंद्र बैठक करते हुए तैयारी करेंगे। 9 जिलों में 124 केंद्रों पर 54,264 छात्र छात्राएं पेपर देंगे और मेरठ में 29 केंद्रों पर 13,367 स्टूडेंट्स पेपर देंगे। CCSU ने जारी कर दिया है रिजल्ट्स भी। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो CCSU ने रिजल्ट्स भी जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने BSc कंप्यूटर साइंस प्रथम सेमेस्टर, MSW प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का तृतीय सेमेस्टर और रिपोर्ट सेटिंग और GIS प्रथम सेमेस्टर, MSc राजनीति विज्ञान प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, MSc जूलॉजी कैंपस प्रथम, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, MSc बायोटेक्निकल CBSE प्रथम सेमेस्टर, BBA H तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। BSc कंप्यूटर साइंस जो है प्रथम सेमेस्टर में 510, 619, 646, 686 और 805 का रिजल्ट प्रैक्टिकल अंक नहीं मिलने से रोक दिया गया है। ये जो है महाविद्यालय के कोड दिख रहे हैं आपको, इनके रिजल्ट को जो है प्रैक्टिकल जो अंक है उसको ना मिलने की वजह से रोक दिया गया है। एंटी ग्रेडिंग MBA HA के पेपर 2 अगस्त से होंगे। विश्वविद्यालय में एंटीग्रेटिंग MBA HA प्रथम सेमेस्टर के पेपर 2 से 5 अगस्त तक 10 से 11:30 बजे की पाली में होंगे। विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम जो है उसको वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। तो बेसिकली जो मुद्दा है वो क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 29 और 30 को बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीएड का एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, इस वजह से उन दोनों दिनों पर बंद रहेगा क्योंकि डिग्री कॉलेजों को ही सेंटर बनाया गया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पर आओ प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट वांटेड चैनल। इफ यू आर इन बीए तो जाकर के जरूर देखना, आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट चाहिए, आपको पूरा सिलेबस से रिलेटेड सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो जाकर के एक बार जरूर विजिट करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।